हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जीके की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपके सामने एलडीसी जो एग्ज़ाम हुआ था आज 19 तारीख को, उसके हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद आंसर की। तो आप देखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा अपने क्वेश्चन। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर मुझे नहीं पता हो तो आप नीचे, अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ है, तो धन जोड़ने में लगे रहना। और मेमोरिडियम के लिए सही परिभाषिक शब्द है, तो देखिए मेरे हिसाब से तो अधिसूचना होना चाहिए और बाकी की आप देख लीजिएगा। अगला है राजीव बिगेन टू पेराइज संजीव वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, देखिए कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है कार्यालय का स्थान, कार्यालय का नाम और कार्यालय का स्थान लिखा जाता है। निम्नलिखित में से आदि संधि के लिए कौन सा है, ए ए ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रम से ए आ अव आब हो जाते हैं, ये है। और अब नेक्स्ट चलते हैं 81वां क्वेश्चन, किस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष्य होता है, तो देखिए कर्मधारय समास में ये विशेषण और विशेष्य होते हैं। निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द है, देखिए निर ही निसर्ग निर्भित निर्देश, तो मेरे हिसाब से तो निर्देश होना चाहिए, बाकी की आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अक प्रत्यय का अक प्रत्यय नहीं है, तो अकंक में अक प्रत्यय नहीं है। किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं, तो कीनाश अंतक और मधवरी सही पर्यायवाची हैं। अवतल शब्द का विपरीतार्थक शब्द छांटिए, तो इसका उत्तल हो जाएगा। इला शब्द का अनेकार्थक शब्द का उचित विकल्प होगा, तो पृथ्वी बाड़ी और भराए। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है, देखिए दीर्घ संधि है। निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, जगन्नाथ, जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, तो जगत प्लस नाथ। और मेघाच्छादित सामासिक पद में कौन सा समास है, तो करण तत्पुरुष। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है इसमें। देव 91वां क्वेश्चन है अपना, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, हस्त द्वारा लिखा हुआ। किस शब्द में, अगला क्वेश्चन, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वियग में वी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दुर् उपसर्ग है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, काश्तकार में प्रत्यय है कार प्रत्यय। शासिका शब्द में प्रयुक्त शब्द है, प्रयुक्त प्रत्यय है इका। चंद्रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और पर्वत का पर्यायवाची शब्द है नग। अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा ऐच्छिक। नीरस शब्द का विलोम शब्द है सरस। अनुमति शब्द का अनेकार्थी है आज्ञा। निम्न में से अमृत का समानार्थक शब्द है सुधा। नेक्स्ट चलते हैं, जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है मीठी बातें करना। बहुत उदम मचाना सिर पर उठा लेना, इसका मुहावरे का सही अर्थ होगा। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताइए, तो देखिए आप इसको, अगर आपको पता हो तो मेरे हिसाब से या तो व्यापार शुल्क होना चाहिए या पथकर होना चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपको पता हो तो। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है, हिंदी समानार्थक नहीं है, तो इसमें सिद्धांत आएगा, देखिए नहीं है। वाक्य का सही हिंदी रूपांतर, हमने कपड़े खरीदे और पुस्तकें बेची, 108वें में ये आएगा, हमने कपड़े खरीदे और पुस्तकें बेची। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, द थीप रन अवे एज सून एज ही सा द पुलिस, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, आप इसे बताइएगा मुझे नीचे। और निम्न में से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है, तो अधिसूचना गजट में प्रकाशित होती है। पुनर्जन्म में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, यण संधि। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह होगा नीति में निपुण। प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, प्रति उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग। नेक्स्ट चलते हैं अपन 116वां, अपना 116वें में अपन किस विकल्प में कृति और कृति का सही अर्थ भेद है,
तो रचना और चतुर कौन सा शब्द संज्ञा है? आदरणीय शब्द संज्ञा है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए जिजीविषा, प्रौढ़ और अंतरंग, ये तीनों शुद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं 121 में, वे क्रियाएं जो संज्ञा एवं विशेषण से बनती हैं कहलाती हैं संयुक्त क्रियाएं। त्रिकालदर्शी किसे कहते हैं? जो तीनों लोकों के बारे में जानता हो। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति कुटिल ही अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता। अर्थ के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, विधेयक, आयोग और विनियोजन शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का सही विकल्प होगा बिल, कमीशन, एप्रोप्रिएशन। अगला है 125, नीर और नीड शब्द युग्म का अर्थ बताइए। पानी और घर, पुर और पूर में नगर और महल। संज्ञा शब्द में बना विशेषण नहीं है संज्ञा शब्द में बना विशेषण नहीं है चालबाज। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है भागना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उज्जवल शब्द है जो बिल्कुल शुद्ध है। इसमें दो जय जो होते हैं वो आधे आधे आते हैं दोस्तों। और 130 क्वेश्चन, अपना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो घनिष्ठ शुद्ध शब्द है बिल्कुल। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की है? तो देखिए वचन संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। नेक्स्ट अपना 131 देखते हैं, 132 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है श्री कृष्ण के अनेक नाम है। निम्नलिखित में से कर्म वाच्य नहीं है आदेश दिया जाए। निम्नलिखित से कर्तवाच्य वाक्य चिन्हित कीजिए, छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए, गगन आम खाता है, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उच्च शब्द सुनिए, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा प्रत्यक्ष। यह प्रत्यय में से निर्मित शब्द नहीं है धैर्य। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है जलद। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, कायर शब्द का विलोम शब्द वीर। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? अंतरंग, बहिरंग। और 142 क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से चपला का अर्थ नहीं है तरंग। उपल, उत्पल, उरु शब्दों के उचित शब्द युग्म बताइए। तो पत्थर, कमल, हृदय, जांग। नेक्स्ट अपना 144, युग्म शब्द अंबुज और अंबुदी में अंबुज का अर्थ है कमल तो अंबुदी का अर्थ होगा तालाब। संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण है नमकीन। बर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त शब्द कौन सा है? लीजिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, मैं अपना काम स्वयं कर देता हूँ। आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त अभाज्य है, इसका आप मुझे बताइएगा दोस्तों। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है पूर्वकालिक। प्रायः ऐतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय प्रयाग है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और दोस्तों अगर इसमें मैंने जो आंसर बताए हैं, अगर इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और आप इस तरीके से बुरी कमेंट नहीं करें, गलतियां सबसे होती हैं, आंसर की भी आती है उसमें भी गलतियां होती हैं, सब में गलतियां होती हैं। तो आप इस तरीके से नहीं करें और अपने क्वेश्चन मिला सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों इसके बाद में मैं इंग्लिश के क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा। और सबकी आंसर की एक ट्रू आंसर की जिसको बोलते हैं वास्तविक आंसर की मैं आपको चैनल पर कल या परसों में 2 के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और जो जिन भाई बहनों का एग्ज़ाम अगले आने वाली तारीखों में है तो वो अगर इन क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहें तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा,
तो आप तब तक के लिए थोड़ा वेट करें और कल आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल, सुझाव, कमेंट हो तो आप, कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।